चंडीगढ़ एमएमएस अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। वीडियो लीक के इस पूरे नेक्सस में एक और नया किरदार अब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लड़की के मोबाइल फोन से एक नए लड़के की पहचान की गई है, जिसका नाम मोहित बताया जा रहा है। लड़की के फोन से मोहित के साथ बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट्स पंजाब पुलिस के हाथ लगे हैं। लड़की ने खुद पूछताछ में पुलिस को जानकारी दी कि वो मोहित से कभी मिली तो नहीं है, लेकिन उससे लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्टेड रहती थी और चैटिंग करती थी। इतना ही नहीं, वो वीडियो छात्रा अपने प्रेमी सन्नी को भेजा करती थी, वही वीडियो उसने मोहित नाम के इस लड़के को भी भेजे थे। नई जानकारी के सामने आने के बाद अब पंजाब पुलिस को पता लगाने की कोशिश में जुट जाना होगा कि मोहित नाम का लड़का कौन है और कहां का रहने वाला है। इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो लीक के पूरे मामले में इसका कितना और क्या रोल है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि हिमाचल प्रदेश से पकड़े गए दो आरोपी सन्नी मेहता और रंजक वर्मा के इस मोहित नाम के युवक से क्या लिंक है। सूत्रों के मुताबिक मामले की तहकीकात में जुटी पंजाब पुलिस थाना खरड़ में आरोपी छात्रा सहित तीन आरोपियों को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। पंजाब पुलिस ने चार मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। इन मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डाटा बरामद करने और किन नंबरों पर वीडियो भेजे गए हैं, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। तीनों के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मिले हैं, जिनमें सभी नंबर पुलिस के रडार पर हैं। इन नंबरों की लिस्ट बनाई गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर किया गया है या नहीं। अगर इन ग्रुप्स से डाटा डिलीट किया गया है तो उसे फोरेंसिक टीमों से पुलिस वापस हासिल करने का प्रयास करेगी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में आरोपी लड़की के मोबाइल से अब तक कुल 12 वीडियोस रिकवर किए जा चुके हैं। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किए गए दोनों ही लड़कों के फोन पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई घटना के बाद से मुंबई और गुजरात के कई नंबरों से कॉल आए हैं। अभी तक दोनों ही आरोपी लड़के इन मुंबई और गुजरात से उनके पास लगातार आई कॉल्स को लेकर कोई संतोषजनक जवाब पुलिस को नहीं दिया है। इसी वजह से अब पंजाब पुलिस मुंबई और गुजरात से आए हुए इन फोन कॉल्स के नंबरों को आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में मुंबई और गुजरात पुलिस भी मदद कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आरोपी लड़कों ने एक कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, कई वीडियोस इन ग्रुप्स में शेयर किए जाते थे। ग्रुप्स के अन्य मेंबर्स इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करते थे। ये मेंबर्स कौन थे, इन व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग शामिल थे, इसकी जांच पंजाब पुलिस कर रही है।